बाकी दुनिया माने नया माने दक्षिण पंथियों में भी कुछ लोग खुद को बुद्धिजीवी मानते और उनको बाकी दक्षिण पंथी बुद्धिजीवी मानते तो ऐसे एक दक्षिण पंथी बुद्धिजीवी का इंटरव्यू चल रहा था यूट्यूब इंटरव्यू और उनसे पूछा गया कि तीन ऐसे लोगों की ना का नाम बताइए भारतीयों का नाम बताइए जिनको भारत छोड़कर चले जाना चाहिए और कभी वापस नहीं आना चाहिए तो बुद्धिजीवी भाई साहब ने तीन नाम लिए उनमें से एक थे बरखा दत्त फिर रोमिला थापर और इरफान हबीब अब बरकात का नाम तो आप सबने सुना ही होगा बहुत नामचीन जर्नलिस्ट हैं लेकिन आप में से कुछ जरूर हो, ऐसे होंगे जिन्होंने रोमिला थापर या इरफान हबीब इनका नाम सुना नहीं होगा इसमें आश्चर्य की कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि ये दोनों इतिहासकार हैं यानी हिस्टोरियन है यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं ये इतिहास का शोध करते हैं और इतिहास की किताबें लिखते हैं तो इन पर दक्षिण पंथियों को इतना गुस्सा क्यों आता है इसके दो कारण हैं तो हमारा थापर और इरफान अभी दोनों ने संघ परिवार के खिलाफ लिखा है और खुलकर बोला भी है लेकिन आप सोचिए ऐसे आरएसएस या बीजेपी की आलोचना करने वाले बहुत हैं और भी बहुत लोग हैं ज्यादा लोकप्रिय लोग हैं जो ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं ऐसे लोग हैं तो फिर इन दो इतिहासकारों पर ही नजर क्यों क्योंकि इन दोनों के शोध में इनके किताबों में किसान मजदूर और कामगार लोगों की इतिहास लिखी गई है ये राजा महाराजाओं के महत्व की इतिहास नहीं लिखते हैं आम लोगों का इतिहास लिखते हैं अगर रोमिला थापड़ ने कभी अशोक और मौर्य साम्राज्य का इतिहास लिखा है और इरफान हबीब ने मुगल साम्राज्य का इतिहास लिखा है तो ये इसलिए नहीं कि अशोक या वर्ग का गुणगान किया जाए बल्कि उनके वक्त का राजनीतिक और आर्थिक सिस्टम का विश्लेषण है इन किताबों में किस तरह उस वक्त किसानों का शोषण होता था उसका इतिहास है साथ में रोमिला थापर और अरफान हबीब के किताबों में ऐसी चीजें हैं जो कि दक्षिण पंथियों को बिल्कुल पसंद नहीं आता है और वो है जाति और वर्ण प्रथा का विश्लेषण द्वारा पिछड़ी जातियों के शोषण का इतिहास समाज में औरतों के शोषण का इतिहास ये सब खतरनाक चीजें उनकी किताबों में हैं और साथ में भारत के इतिहास में हिंदू और मुसलमानों की सांस्कृतिक एकजुटता गंगा जमुनी तहजीब इन सभी का इतिहास भी है अब आप सोचिए दक्षिण पंथियों को ऐसे इतिहास कैसे रास आएगा वो तो चाहते हैं कि हम सब सोचे भारत प्राचीन काल से हिंदू राष्ट्र हैं जहां जाति भेद तो था ही नहीं अमीर गरीब में कोई फर्क ही नहीं था दूध की नदियां बहती थी हां जब से मुगल बाहर से आए तब से उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया महान हिंदू राजाओं को छल से हराकर उनका राज्य उनसे छीन लिया हिंदुओं का शोषण किया मंदिरें तोड़ दी समाज को तोड़ दिया और इसलिए भारत को अंग्रेज अपने काबू में ला पाए क्योंकि मुगलिया सल्तनत ने भारत के लोगों को अंदर से कमजोर कर दिया था समाज को अंदर से खोखला कर दिया था अब अगर कोई इतिहासकार इसका उल्टा बोलेगा या बोलेगी तो दक्षिण पंथियों को वो पसंद तो नहीं आएगा दक्षिण पंथी बुद्धिजीवी चाहते हैं कि पिछड़ी जाति के लोग या गरीब लोग अपने शोषण का इतिहास भूल जाए वो अपनी मांगों को भूल जाए सब एक हिंदू राष्ट्र की कल्पना करें, जबकि असल में कॉरपोरेट और सेठों का राज चलता रहे इसलिए वो फिर से राजा महाराजाओं की इतिहास लिखना चाहते हैं ताकि आम लोगों को लोकतंत्र से राजतंत्र की ओर ले जा सके अपनी हक की मांग ना करके सुप्रीम लीडर में अपना पूरा विश्वास वो डाल सके इसलिए इतिहास पर इतना बड़ा घमासान इतना बड़ा महासंग्राम छिड़ा हुआ है और इसीलिए सारी स्कूली किताबें बदली जा रही है ताकि एक मन घरक झूठा इतिहास लोगों को पढ़ाया जा सके जिससे दक्षिणपंथी राजनीति को ही फायदा हो